नमस्कार। महाराष्ट्र चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसके बाद लगभग अब तय हो गया है कि कौन कहां से मैदान में उतरेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो दोनों तरफ से अब असली लड़ाई शुरू होगी, यानी एक तरीके से एनसीपी असली जिसकी बात की जा रही है वो कहां जाएगी, शिवसेना उसके पाले में आखिर इस बार असली लड़ाई कहां पर पहुंचेगी उसकी भी बात हो रही है। लेकिन बीजेपी क्या बिग ब्रदर की भूमिका में रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर भी चर्चा करें। और अब काउंटडाउन शुरू हो गई है एक तरीके से। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि इस बार बीजेपी और खासकर अलायंस सत्ता में फिर आएगा? देखिए, हर चुनाव ये अलग अलग चुनाव होता है और मैं ये मानता हूं और पार्टी भी ये मानती है, हर चुनाव को उस समय के मुद्दों पर, परिस्थिति पर और विषयों पर लड़ना चाहिए। जहां तक 2024 महाराष्ट्र चुनाव की बात है, आज की परिस्थिति, आज के इश्यूज, आज के मुद्दे, आज के विरोधक और ओवरऑल इकोसिस्टम, इस आधार पर हमारा प्रिपरेशन अन्य दलों से बहुत आगे है, बहुत अच्छा है। और महायुति इस नाते हम इस चुनाव को जीतने के लिए एक एक तरीके से पायदान आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत पॉजिटिवली चुनाव में हम जीतने वाले हैं। अच्छी से जब मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, सबका ऐसा लग रहा है कि 2024 महायुति के साथ चुनाव भी जीतेगी और बीजेपी सबसे बड़ा दल होगा। लेकिन महायुति में बिग ब्रदर कौन है ये फैसला तय कर पाना? जनता पार्टी। हाँ, लेकिन ये जनता के बीच आप कह रहे हैं कि इस बार सरकार बनेगी तो इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी का होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? हाँ, ये विषय तो पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी, हमारी महायुति के अन्य दल, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, अजीत दादा, देवेंद्र फडणवीस, रामदास आठवले, ये सब मिलकर उसका निर्णय करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, आज भी हम चुनाव एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो मतलब वो चेहरा है या नेतृत्व है, लेकिन चेहरे पर बाद में फैसला हो सकता है, ऐसा कुछ है? देखिए, चुनाव के बाद ही तीनों दल मिलकर अपना निर्णय करेंगे। अच्छा, यही मतलब, ये बिल्कुल क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो सामने वाले भी तो यही कह रहे हैं, उनकी तरफ भी तो कुछ ऐसा हो रहा है, फिर आप लोग उन पर क्यों निशाना? तो बताएं किसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा चुनाव में भी एकनाथ शिंदे जी का चेहरा है, एकनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो बताएं। राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, शरद पवार जी के नेतृत्व में लड़ रहे चुनाव, उद्धव जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, या फिर उनका जो तीसरा दल है कांग्रेस, उसके कोई नेता के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, जो भी वो भी उसमें भी बहुत अभी घमासान होना बाकी है। तो आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले, ये बहुत एक अलग तरीके का गैंग वॉर होने वाला है? ये बहुत सही बात है। मैं आपको बता दूं, उस दिन की जो घटना और जो जानकारी मुझे मिली है कि अगर ये रहेगा तो मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, तो वो तो सुलटा लिया ना ये तो। नहीं, अभी आज भी हुआ है। आपको बता दूं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की एक्सपायरी डेट नजदीक आ चुकी है। बहुत प्रयास करके अगर उन्होंने चुनाव के टिकट बंटवारे में अगर खुद को संभाल भी लिया तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ये बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो आशीष जी, यही सब दावे और यही सब बातें तो लोकसभा के चुनाव में भी कही गई थी ना, तो फिर क्या हुआ? हमने ये बात कभी कही थी? तब भी कहा था कि महाविकास आघाड़ी खत्म है। देखिए, झूठ का फुलिंदा, झूठ की दुकान एक दिन चल सकती है, ये मोहब्बत की दुकान लेके नहीं चले थे, ये झूठ की दुकान लेके चले थे। और झूठ की दुकान एक बार आदमी को आप फंसा सकते हो, झूठ बोल सकते हो, उसे झूठ बोल के अपना मतलब निकाल सकते हो, लेकिन वो बार बार नहीं चलती। जिस तरीके का फेक नैरेटिव उस समय पर चलाने का प्रयास उन्होंने किया, उसमें शायद थोड़ी बहुत सफलता उनको मिली। बावजूद उसके, उद्धव जी के हाथ में क्या लगा? उद्धव जी हमारे साथ थे तब 18 एमपी थे, आज तो 9 पे आ गए। तो हाथ में उद्धव जी के लगा क्या? कांग्रेस बढ़ गई, उद्धव जी तो दिन ब दिन नीचे ही जा रहे हैं। ये फेक नैरेटिव तो एक तरीके से आरोप लगे थे राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर। संविधान वाले फेक नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं या कोई और फेक नैरेटिव? बिल्कुल संविधान वाली बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था क्या? नहीं। अमित शाह जी होम मिनिस्टर, चीफ कैंपेनर, राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, किसी ने बात कही क्या? नहीं। जब बात बहुत स्पष्ट थी तो भी झूठ का पुलिंदा ये फैलाना और इसमें भारत जोड़ो वाले, भारत तोड़ो अभियान करना,
एक बार चलता है साहब, बार बार नहीं चलता। तो अगर इस बार भी इस चुनाव में इस तरीके की बात की जाएगी जिसको आप फेक नैरेटिव कह रहे हैं, उसकी काट या उसका काउंटर अब आपके पास है? शुरू कर दिया है, अब तो उनको जवाब देना पड़ रहा है। हमने तो काम किया है, हम लाडली बहना का काम करते हैं, उसको रोकने के लिए कोर्ट में जाते हैं। हम बहनों के अकाउंट में 1,500 रुपए डाल रहे हैं, ये कहते हैं हम इस योजना को बंद कर देंगे। हमने किसानों के लिए मुफ्त में बिजली का प्रावधान, योजना और कार्यान्वित की, वो जाके उसका जवाब देने लगे। अब हमारी बातों पर वो आए, हमारे पीछ पर आने लगे। अब झूठ का पुलिंदा खत्म, सच के राज की शुरुआत और महायुति की विजय का पर्व शुरू। आशीष जी, ये क्योंकि आपने योजनाओं की बात कही, इसको लेकर भी बहुत बवाल कटा हुआ है महाराष्ट्र में, और वो कह रहे हैं कि आप लोगों को हार का डर था इसलिए अंत के कुछ दिनों में एक एक दिन में 250-250 परियोजनाएं योजनाएं चलाई गई। तो खटाखट क्या था? हाँ, तो ये क्या है खटाखट? खटाखट 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 क्या था? ये बोलने वाले अपने गिरेबान में तो झाके, ये गृहलक्ष्मी क्या था भाई? तो सरकार है, सरकार की योजना है, सरकार डिलीवर दे रही है। ना तुम्हारा सरकार, ना तुम्हारे पास बजट, ना तुम मंत्री, तुम खटाखट 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 गृहलक्ष्मी ये बात करके लोगों को फंसा ही रहे थे, फॉर्म भरवा के ले रहे थे। अब लोग इसका गुस्सा निकालेंगे और वो गुस्सा महाविकास आघाड़ी को पराभूत करने की तरफ लेके जाएंगे। अभी मैं देख रही थी आपका, दो दिन से ही लगातार आपके और आदित्य ठाकरे के बीच में वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है। आपने ये कह दिया कि वो तो एक तरीके से नक्सली हैं और वो आपको कुछ कह रहे हैं, तो मतलब आप दोनों के बीच ये चल क्या रहा है आजकल? दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है सर, ये फेक नैरेटिव का मामला लेके जो चल रहे हैं उसी को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। आज जब वो आरोप कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार अदानी को 1,000 एकड़ से भी जगह दे रही है, तो मैंने बोला 1 एकड़ दिखा दे, 1 एकड़ तो दिखा दे। आप दिखा नहीं सकते हो क्योंकि सच बात यह है, 1,008 एकड़ तो छोड़ दो, गरीबों के रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के लिए जो 500-550 एकड़ की कैबिनेट डिसीजन हुआ है उसमें भी वो जगह डीआरपी नाम के कंपनी को दी है, ठीक है, जो सरकार की कंपनी है। तो इसके लिए झूठ बोलने वाले को मेरे सवाल रहेंगे और लगातार रहेंगे। आदित्य ठाकरे को आज भी आपके माध्यम से मुझे चैलेंज है, मेरा चैलेंज है, हिम्मत है तो आपके चैनल पे आकर मेरे साथ बात करें। तो आपको लगता है कि उनको समझ नहीं है उस प्रोजेक्ट के बारे में? ना समझिए, और ये जानबूझ कर हो रहा है। ये अर्बन नक्सलाइट्स की एक गैंग है जो अशांति, असमंजस, अतर्क, अप्रामाणिक, झूठ, इस बातों को फैलाती है और लोगों को भड़काने का काम करती है। और धारावी में भी यही हो रहा है। धारावी के हमारे मराठी, मुस्लिम, दलित, इनको इस अर्बन नक्सल गैंग ने लगातार भड़काने का प्रयास किया है, आपको घर मिलेंगे ही नहीं, जबकि टेंडर स्पष्ट है, जो टेंडर भी उद्धव जी ने निकाला है, कंडीशन उद्धव जी ने बनाई है। तो इन अर्बन नक्सलिट्स के एजेंडे का प्रवक्ता ये आदित्य ठाकरे बने हुए हैं, ये मैंने कहा है। अर्बन नक्सल तो अभी तक वामपंथी विचारधारा वाले लोगों को कहा जाता है, सब जुड़ गए, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं हम भारत सबसे बड़े हिंदू हैं, हमारा तो हिंदुत्व सबसे बड़ा है, बीजेपी से भी अलग है। बोलना और करना उसमें कोई फर्क है कि नहीं? आप जब जाकर टीपू सुल्तान की जयंती मनाते हो, आप छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से मुंबई में कोई ब्रिज प्रपोज किया जाता है उसका विरोध करते हो, तो कौन सी हिंदुत्व की बात कर रहे हो? आप सावरकर जी को गाली देने वाले, बदनाम करने वाले लोगों के साथ हाथ मिलाते हो। ने कहा था वीर सावरकर को भारत रत्न दे, आप क्यों नहीं देते? तो आपको किसने रोका था? बोलने वाले को ये समझना चाहिए, आप जिसके साथ हो उसको तो बोलना चाहिए था कांग्रेस को, आप अगर भारत रत्न देते हो तो आपके साथ आएंगे, और आपने अब तक भारत रत्न नहीं दिया तो हम तुमको लात मारेंगे, ये क्यों नहीं कहा आदित्य उद्धव जी ने? हमको सवाल पूछने के पहले ये सवाल उनको पूछना पड़ेगा, अपने मित्रों को जिसके साथ वो बैठे हैं। और कर्नाटक में भी छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर जी का अपमान ये कांग्रेस ने किया, उसके साथ उद्धव जी बैठे हुए हैं। उद्धव जी को हिंदुत्व पर बोलने का अधिकार ही नहीं। बड़ा रैली पर अब इस बात की लड़ाई पूरी शुरू हो गई थी, हिंदू सबसे बड़ा कौन है, फिर हम यही माने कि महाराष्ट्र का चुनाव फिर हिंदू मुस्लिम पर आ गया? अगर वो बोलेंगे तो लेंगे, अगर उद्धव जी कहेंगे कि भाई हमारा दल मान्य करता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसी मुसलमान को करेंगे धर्म के नाम पर,
तो हम हिंदुत्व का मुद्दा लेंगे। अगर कांग्रेस ये मांग करते कि मुस्लिम धर्म के नाम पर आरक्षण देना चाहिए, जो परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं, तो ये अपीजमेंट की बात कांग्रेस और उद्धव जी करेंगे, हम हिंदुत्व की बात करेंगे। तो वोट जिहाद से डर है इस बार भी किसको? बीजेपी को। उनको डर है इसके लिए तो कर रहे हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। हमारे हिंदुत्व की व्याख्या में विकास की व्याख्या है। हम तो सबको अपनाना चाह रहे हैं। अगर गाय को, गोमाता को राज्य माता बनाया तो उद्धव जी को पीड़ा क्यों होती है? क्या कारण है उद्धव जी को पीड़ा होती है? और इसके लिए इस प्रकार के वोट जात के खिलाफ लड़ना ये आवश्यकता हम करेंगे। अल्पसंख्यक उद्धव ठाकरे के साथ हैं? ऐसा भी मुझे नहीं लगता। ये रिझाने में लगे हैं। जो विकास प्रेमी है वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, जो महाराष्ट्र का विकास चाहते, मुंबई का विकास चाहते, जो प्रगति चाहते, वो महायुति के साथ है। और महायुति ने दिखाया, कोस्टल रोड पूरा किया, मुंबई नागपुर समृद्धि मार्ग पूरा किया, अटल सेतु पूरा किया, मुंबई का नया एयरपोर्ट पहली उड़ान हो चुकी, मुंबई दिल्ली कॉरिडोर आगे बढ़ा, मुंबई की बुलेट ट्रेन काम शुरू हुआ। प्रगति यानी महायुति, स्थगिति यानी उद्धव जी ठाकरे। इतने बड़े बड़े काम किए हैं अभी आप गिना रहे हैं, मतलब मुंबई जैसे कि आपका पूरा एक तरीके से गढ़ की तरह से अब तक देखा जाता था, आप अध्यक्ष भी मुंबई के, इतने बड़े बड़े काम किए हैं तो फिर ये बटेंगे तो कटेंगे, ये इस तरह के बयान क्यों आते हैं? गलत क्या है इसमें? आने चाहिए। अगर समाज हिंदू इस नाते इकट्ठा रहता है तो उसमें अलग अलग जातियों को अपने को भड़का कर उनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ना या लड़वाना ये कांग्रेस की नीति है, तो उसका जवाब यही है, बटेंगे तो कटेंगे, साथ में रहेंगे तो देश की प्रगति होगी। और इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड और वन नेशन वन कल्चर, ये एकता की बात हम करते हैं। क्योंकि दूसरे कुछ मुद्दों पर जाए लेकिन इसी पर एक मैं स्टेटमेंट बता देती हूँ, ये आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों का स्टेटमेंट। उन्होंने कहा हमारा हिंदुत्व भाजपा का हिंदुत्व नहीं है, हिंदुओं का उनका संरक्षण, लोगों को क्या खाना चाहिए क्या पहनना चाहिए ये उनका है, लेकिन उनका काम सिर्फ मुसलमानों पर हमला करने का है, लेकिन हम सबकी बात करते हैं, ये उनका स्टेटमेंट था। तो अब इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बाला साहब ठाकरे जी की कैसेट भेजता हूँ। उनको तो पता ही है। नहीं, पता नहीं है, भूल गए, इसके लिए कह रहा हूँ। आप जो सवाल मुझे पूछ रहे हो उसका जवाब इतना ही है कि 1980 की उनके पिताजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के भाषणों का कैसेट मैं उनको भेज दूंगा, फिर वो बोलने की चेष्टा करें। तो आपको लगता है कि जब मुद्दे आएंगे तो विकास पर ही बात होगी? मुद्दे आएंगे तो विकास पर बात होगी, प्रगति की बात होगी, सुरक्षा की बात होगी, कानून व्यवस्था की बात होगी, गरीब को गरीबी से निकालकर ऊपर उठाना उसकी बात होगी, और हमारा जो सांस्कृतिक परिचय है उसकी भी बात होगी। मुंबई में आकर कश्मीर अलग करो कहने वाली महक प्रभु की बात नहीं चलेगी, महाराष्ट्र में आकर अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है ये बात नहीं चलेगी, और इसके खिलाफ हम बोलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं आशीष जी, इतने धारदार आप जवाब दे रहे हैं कुछ और सवालों के जवाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। लोकसभेच्या रणधुमाळीनंतर आता लक्ष विधानसभेवर। लोकसभेचा महाराष्ट्राचा पेपर होता तसा अवघड, विधानसभाही दिसते तशी आव्हानात्मक। कोण चढणार सत्तेचा सोपान, कोणाला करणार जनता मतदान? युती आघाडीचं गणित जमणार, तिसऱ्या आघाडीचं काय होणार? 5 वर्षांच्या प्रचंड राजकीय घुसळणीतून काय नवनीत निघणार? या सगळ्या प्रश्नांची उकल करण्यासाठी, हे नानाविध पदर उलगडण्यासाठी, वरिष्ठ पत्रकारांसोबत सांगोपांग खुमासदार चर्चा करण्यासाठी, जिल्ह्या जिल्ह्यातल्या राजकारणाचा आढावा घेण्यासाठी पुन्हा एकदा घेऊन येत आहोत जनादेश 2024, सोमवार ते शुक्रवार दररोज रात्री 9 ते 10 या वेळेत फक्त सह्याद्री वाहिनीवर।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आशीष जी, हमने बात की इन मुद्दों की, पीडीए कितना इस बार चलेगा यहाँ, क्योंकि अखिलेश यादव आ गए हैं, वो कह रहे हैं पीडीए तो मैं महाराष्ट्र में चला कर दिखाऊंगा। देखिए, अखिलेश जी अपने स्पाइन को झुका चुके हैं। अखिलेश जी अब अपने पैरों पर और गर्दन सीधी करके चलने के आदि नहीं रहे, वो राहुल गांधी जी के सामने पहले ही झुक चुके हैं। तो वो हाँ, मुंबई महाराष्ट्र में कुछ कर पाएंगे ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। अच्छा, मतलब उनके बीच में ऐसा कुछ डील भी नहीं हो पाएगी आपको लगता है? नहीं, डील नहीं हुआ तो भी ये झुक जाएंगे। यादव परिवार और यादव मतदार अखिलेश जी से नाराजी इसके लिए कि वो राहुल गांधी जी के सामने झुक गए। मराठवाड़ा और मराठा आरक्षण की भी बात हुई, अभी आपने जातिगत समीकरणों की भी बात कही कि किस तरह से बांटने की कोशिश है, आपको लगता है इसी इक्वेशन का जो नुकसान है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा, तो इस बार थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है? बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा कि हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव को अलग पैतरे से अलग रणनीति से लड़ना पड़ता है। जो गलतियां 2024 के लोकसभा में हमारी हुई वो हम रिपीट नहीं करेंगे। आरक्षण की बात है तो आरक्षण के मुद्दे पर इस प्रदेश में सबसे बढ़िया काम देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। मराठा समाज को आरक्षण देना, कानूनन देना, सुप्रीम कोर्ट तक उसको टिका के रखना, ओबीसी समाज के हमारे चुनावी आरक्षणी सीटें उसको बचा के रखना, ये सब काम हमने किया है। कौन सी बात का आंदोलन ये लोग कर रहे हैं, कौन से मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं? आज भी महाराष्ट्र में 10% मराठाओं को आरक्षण है, कानून पास हो चुका है। हमारे जितने भी भाई बहनों को वहां पर ओबीसी में कुणबी करके उनकी कहीं ना कहीं रजिस्ट्री थी, उनका उसका सर्टिफिकेट मिल चुका है। मोदी जी ने तो आर्थिक निकष पर 10% आरक्षण किसी भी समाज को दे चुके हैं, कौन से आरक्षण का विषय कर रहे हैं? और इसके लिए जो मराठा आरक्षण की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं वो चुनावी रणनीति कर रहे हैं। चुनावी रणनीति है, लेकिन आपकी तरफ से आरक्षण पर कोई बात नहीं होगी अभी? क्यों, मैंने तो खुल के कहा हम आरक्षण के समर्थन में और हमने दिया भी है। लेकिन जो राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात, जातिगत जनगणना की आवश्यकता कांग्रेस बताए तो सही, फिर हमारी प्रतिक्रिया दे। हमको सवाल पूछने के पहले ये तो बताए इसकी जरूरत क्या है, क्यों मंडल आयोग का विरोध आपने तभी किया था? आज आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी अपने पुरखों से वो तो पूछे कि उन्होंने विरोध क्यों किया था। आज एक समुदाय इकट्ठा बन चुका है और आरक्षण का लाभ भी उनको मिल रहा है, तो उनको आपस में झगड़ाने की क्यों जरूरत है कि तुझे ज्यादा मिलेगा या मुझे ज्यादा मिलेगा, मेरा पॉपुलेशन ज्यादा है कि तेरा पॉपुलेशन ज्यादा है, ये अनार्की क्यों? और यही अर्बन नक्सलवाद है, यही है। ये अनार्की निर्माण करना, जब भारत एक दिशा में प्रोग्रेसिव आगे जा रहा है, दुनिया भारत को फॉलो कर रही है, तब ये दिखाना दुनिया में जाकर भारत में ना डेमोक्रेसी है, और ऐसी व्यवस्थाओं का विरोध करना जो हम एक साथ चलने की व्यवस्था के विरोध में बात कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजे है, बीजेपी ने क्या एक तरीके से जो कार्ड वो बूस्टअप हुआ उसको लगा कि अच्छा एग्जिट पोल ने कुछ और कहा, लेकिन आ गए। कांग्रेस कह रही है कि हम मानेंगे ही नहीं चुनाव के नतीजों को। अब क्या गारंटी है कि जब महाराष्ट्र के नतीजे मानेंगे ईवीएम? मुझे तो बताइए, कल से उन्होंने शुरू किया है वोटर्स लिस्ट को नहीं मानेंगे। महाराष्ट्र की वोटर्स लिस्ट में फॉल्ट है। फिर कहा उन्होंने कि भाई वोटिंग सेंटर को नहीं मानेंगे, वोटिंग मशीन को नहीं मानेंगे, हम चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे, हम चीफ जस्टिस को नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, हम इनकम टैक्स को नहीं मानेंगे, हम ईडी को नहीं मानेंगे, हम सीबीआई को नहीं मानेंगे, हम पुलिस व्यवस्था को नहीं मानेंगे, हम संविधान इस देश में है ये नहीं मानेंगे, हम हमारे पिताजी के विचारों को नहीं मानेंगे, उद्धव जी पिताजी के विचारों को नहीं मान रहे, राहुल गांधी अपनी दादी के विचारों को नहीं मान रहे, ये नकारात्मक गैंग है, ये रोने वालों का कुनबा है, और इसके लिए रोने वालों के कुनबे का साथ कोई नहीं देता। जो सकारात्मक आगे विकास की बात करते हैं उनका लोग साथ देते हैं। आपको लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से पहले भी ये भी नैरेटिव एक नया बन गया है कि अगर हम जीते तो ठीक, अगर हम हारे तो ईवीएम बेकार? उन्होंने हार की कारणों की शुरुआत कर दी है, ये बात एक महीने पहले क्यों नहीं कह रहे थे? अगर इनको कॉन्फिडेंस था तो जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद तो इन्होंने मांग नहीं की कि भाई वोटिंग मशीन नहीं, हमको बैलेट पेपर चाहिए। अब क्यों कर रहे हैं?
अब देखा जनता का रुख बदल चुका है, जनता महायुति के साथ है तो अब कारण निकाल रहे हैं। संजय राउत अपने पार्टी अध्यक्ष की नहीं मान रहे हैं, दूसरे पार्टी के अध्यक्ष की मान रहे हैं, ये मान किसको रहे हैं? ये भगवान राम को नहीं मान रहे, राम मंदिर को नहीं मान रहे, राम मंदिर को नहीं मान रहे। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा हमने दर्शन किए राम मंदिर में जाकर, कभी किए? तीन चार बार उन्होंने गिनाया कि हम उसके लिए राजनीति नहीं करते, हम दर्शन करते हैं जाके। तो दर्शन करके क्या दिमाग में आया है? भगवान राम का चरित्र, राजा कैसा होना चाहिए, उस प्रकार का चलन, ये तो ध्यान में आता। कोरोना के समय पर मरे जो हमारे लोग भाई बहन, उनके बॉडी बैग में पैसा खाए, दर्शन किया किस बात का और आचरण में क्या लाया? राम मंदिर की लड़ाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की है, उसकी क्रेडिट छीनने की बात ये ना करें। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने शुरू किया था सब कुछ, उनके आपने जैसे वीडियो की बात कही वो भी पुराने वीडियो दिखाते हैं। बाला साहब हमारे साथ थे, आनंद है हमको, हम और बाला साहब साथ में थे, इसमें कोई दोराय नहीं है। आप बाला साहब के विचारों पर नहीं है, ये उद्धव जी और आदित्य का प्रश्न है। आप शरद पवार जी की राजनीति में चल रहे हो, ये विषय है। आज इस कदर गिर गए मुंबई पर, जिन्होंने 1992-93 में ब्लॉम ब्लास्ट किया, उसका अफरोज नाम का एक आरोपी जो कन्विक्ट हो चुका है, वो इनके पार्टी का प्रचार करता है। प्रचार के लिए आपको जिन्होंने मुंबई वासियों की जान ली, दाऊद का साथ दिया, वो आपका प्रचारक बन चुका है। कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? और यही सब बातें चुनाव में उठेंगी। राजनीतिक संन्यास, ये बड़ा चर्चा में रहा महाराष्ट्र के चुनाव में, आपको लेकर के भी कहा गया कि आपने ऐसा दावा किया था कि अगर हमारी पार्टी क्या, आज भी करता हूँ। तो राजनीतिक संन्यास आपने बोला था? हाँ, बिल्कुल बोला था। तो फिर नहीं लिया? नहीं, तो मेरी बात तो पूरी सुनिए। मैंने उद्धव जी को चैलेंज दिया था, आप हमारे साथ थे तो 19 आई, अब इकट्ठा हो तो भी 19 आई, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, तो फिर और उससे कम आई तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ा क्या उद्धव जी ने, आज भी चैलेंज है। 9 का आंकड़ा लेके बैठे, ले संन्यास, 19 नहीं आए, ले संन्यास। ये ट्विस्ट हो गया फिर मामला। और दूसरी बात, उद्धव जी ने बयान किया था कि भाई 40 सीटें तो बीजेपी की ऑल इंडिया में आएंगी, तो मैंने चैलेंज किया था कि भाई 40 ऑल इंडिया में आती है तो मैं छोड़ूंगा। 240 है साहब, कौन से मुझसे उद्धव जी सामना करेंगे हमारे? ये बताइए कि क्या ये जो सरकार चल रही है ये अभी तक के इतिहास की सबसे करप्ट सरकार है, ये जो आरोप लग रहे हैं? किसकी? आपकी जो सरकार चल रही है। उद्धव जी की सरकार कर, वो कह रहे हैं सबसे करप्ट तो ये सरकार है। तो बोलने में क्या जाता है, जो काम कर रहा है वो तो लोगों के सामने दिख रहा है। होका सरकार, पेटी सरकार, बहुत सारे नाम रखे। बोलने से क्या होता है, लोगों के मन में थोड़ी ना है, लोग तो देख रहे हैं विकास के काम क्या हो रहे, पेट्रोल के दाम कम हो रहे, इसके ऊपर टैक्स कम हो गया, एसटी में हमको मुफ्त प्रवास मिलने लगा, वयश्री योजना में हमारे सीनियर सिटीजन के अकाउंट में 3000 रुपए आने लगा, स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई करने वाले हमारे बच्चों को 10000 रुपए मिलने लगा। ये सब सोशल वेलफेयर स्कीम से वो दिखाई पड़ रही है। और उद्धव जी तो बताएं, मातोश्री 2 कौन से पैसे से खरीदा? भ्रष्टाचार की बात करते अकाउंट तो दे। मुझे व्यक्तिगत आलोचना करना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन कोरोना के समय पर बॉडी बैग में घोटाला, दवाइयों में घोटाला, टेस्ट में घोटाला, वहां पर सेंटर्स जो कोविड के निर्माण किए उसमें घोटाला, ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच चल रही है, सूरज चौहान अभी भी जेल में है। कौन से मुंह से भ्रष्टाचार की बातें करते हैं? खुद पूरे लिप्त है भ्रष्टाचार में, और भ्रष्टाचार का महामेरु राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ शिवसेना और कांग्रेस है। क्योंकि मैं दिल्ली से आई यहाँ पर महाराष्ट्र का चुनाव करने के लिए, और आप जिस तरह से बात करते हैं और जाने जाते हैं, आशीष जी कुछ छुपाते नहीं है, आपको जो बोलना होता है बोल देते हैं। दिल्ली में ये चल रहा है कि चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला लिया जाएगा और यहाँ की कमान जो है कुछ और नेता देखेंगे। सबसे प्रोमिनेंट नाम तो आप ही का चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? कल भी देवेंद्र जी, आज भी देवेंद्र जी, चुनाव के बाद देवेंद्र जी, चुनाव के परसों की बात कर दी, परसों नहीं चुनाव के बाद, तो चुनाव के बाद परसों आता ही है ना। अगर वो दिल्ली चले जाते हैं, हमारे देखिए आप एक बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हम संगम में सीखे हैं कि हमारा जो एनवलप है उस पर एड्रेस हम नहीं लिखते,
हमें कहाँ जाना है, ये हमारा संगठन उसके ऊपर लिखता है, कौन से क्षेत्र में, कौन सी जगह, कौन से पद पर। देवेंद्र जी पक्के स्वयंसेवक हैं, मैं भी एक पक्का स्वयंसेवक हूँ, और हम दोनों का और हम सबका संघ और भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। देवेंद्र जी ने तो इस महाराष्ट्र का चित्र बदल दिया है, और उनके नेतृत्व में अगले 25 साल में जो काम नहीं होगा वो आने वाले सरकार में होने वाला है। आप दोनों के बीच सब अच्छा है? बहुत अच्छा है, दोस्ती यारी भाईचारा। तो आप चलते चलते दर्शकों को आप क्या कहेंगे कि महाराष्ट्र में जब नतीजे आएंगे तो कहाँ खड़े होंगे सब लोग, आपकी सब लोग रहने? आपका जो गठबंधन है वो कहाँ होगा? ये बहुत नम्रता से कहूंगा कि सत्ता बनाने का आंकड़ा हमारे पास होगा। ओके, तो ये दावा है? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष शेलार जी इतनी बेबाक तरीके से बात करने के लिए, और यही आपका अंदाज है जो महाराष्ट्र में जाना जाता है कि आप जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं। बेस्ट ऑफ लक आपको इस चुनाव के लिए, और डीडी न्यूज से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।